दोस्तों आज हम आपको बहुत ही कमाल कमाल चीजों को फैक्ट्री में बनते हुए दिखाएंगे, जैसे सिक्कों को कैसे बनाया जाता है, फैक्ट्री में सिगरेट कैसे तैयार की जाती है। आज की हमारी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इस शानदार वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेदर बॉल। दोस्तों क्रिकेट में लेदर बॉल का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब तक आपने ये नहीं देखा होगा कि आखिर लेदर बॉल बनती कैसे है। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे तैयार किया जाता है एक लेदर बॉल को। सबसे पहले एक बड़ी लेदर की शीट से छोटे छोटे लेदर के टुकड़े अलग कर दिए जाते हैं। उसके बाद इन सभी टुकड़ों को आपस में सील कर दिया जाता है, साथ ही इनको मशीन की मदद से गोल आकार भी दिया जाता है। दोस्तों जब लेदर का आकार गोल हो जाता है तो उसके बाद इसे कलर में डालकर इसको रंग दिया जाता है। रंगने के बाद एक बार फिर इन गोल आकार वाले लेदर को मशीन पर रखा जाता है ताकि जो भी पार्ट खराब हो उसे काट कर बाहर निकाला जा सके। ये देखिए अब आपके पास तैयार है गेंद का एक हिस्सा। ऐसे ही लेदर से गेंद का दूसरा हिस्सा भी तैयार कर लिया जाता है, साथ ही दोनों हिस्सों को सेल भी दिया जाता है। इसके बाद इन दोनों हिस्सों को एक साथ जोड़ने से पहले एक लोहे से बनी बॉल इसके अंदर रखी जाती है। बाद में दोनों हिस्सों को गोंद की मदद से चिपका दिया जाता है। इसके बाद गेंद को मशीन की मदद से सिला जाता है और उसी मशीन से ही गेंद को गोल आकार दिया जाता है। जैसे ही एक बार गेंद तैयार हो जाती है उसके बाद कंपनी आखिर में इन गेंदों पे अपना लोगो लगाकर इन्हें मार्केट में बिकने के लिए भेज देती है। मेकिंग ऑफ शटलकॉक। दोस्तों बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जिसे आप जहां मर्जी खेल सकते हैं और शायद इसीलिए ये खेल पॉपुलर भी है, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे किया जाता है शटलकॉक को तैयार। दोस्तों कॉक को बनाने के लिए सबसे पहले एक पंखुड़ी को अलग किया जाता है और उसके बाद कॉक के बेस को तैयार किया जाता है। आप खुद ही देख लीजिए कि कैसे तैयार किया जाता है कॉक के बेस को। जब एक बार बेस तैयार कर लिया जाता है तो उसके बाद बेस में एक एक करके पंखुड़ी को मशीन की मदद से डाला जाता है। जब सारी पंखुड़ी उस कॉक के बेस में सेट हो जाती है तो उसके बाद सबसे जरूरी काम शुरू होता है और वो है कैसे कॉक को मजबूती से बांधा जाए। इसके बाद इस्तेमाल में लाई जाती है ये मशीन। इतनी जल्दी जल्दी मशीन की मदद से कॉक को बांध दिया जाता है, ये आप देख सकते हैं, और अंत में आता है फिनिशिंग टच। जी हाँ दोस्तों इस प्रोसेस को हाथों से ही किया जाता है और अगर कॉक के आगे पीछे कोई धागा लटक रहा हो तो उसे काट दिया जाता है। एक बार जब सारी चीजें फिट हो जाती हैं तो उसके बाद कंपनी का लोगो लगाकर इसे मार्केट में भेज दिया जाता है। मेकिंग ऑफ टूथब्रश। दोस्तों सुबह सुबह उठकर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ब्रश करते हैं, सही कहा ना। तो दोस्तों आज हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि आखिर कैसे किया जाता है ब्रश को तैयार। ब्रश के प्रोडक्शन में दोस्तों मशीनों का रोल सबसे ज्यादा है। ये देखिए कैसे मशीनों की मदद से ब्रश को तैयार किया जा रहा है, कैसे ये मशीन एक एक करके ब्रश के अंदर लगा रही है सॉफ्ट प्लास्टिक। आप यकीन नहीं कर पाओगे लेकिन मिनटों में तैयार की जाती है हजारों ब्रश। मेकिंग ऑफ सिगरेट। दोस्तों सिगरेट प्रोडक्शन तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है सभी से कि यदि आप सिगरेट पीते हैं तो प्लीज उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी सेहत के लिए बहुत खराब है। इसे पीने से न सिर्फ आपकी सेहत का बुरा हाल होता है बल्कि आपके परिवार को भी परेशानी होती है। दोस्तों सिगरेट बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए तंबाकू। यहाँ देखिए सबसे पहले तंबाकू के पत्तों को सुखाया जा रहा है, उसके बाद पेपर को एक मशीन से रोल किया जाता है। जब रोल तैयार हो जाता है तो उसके बाद उस रोल में तंबाकू भर दिया जाता है। ये देखिए कैसे एक एक करके तंबाकू भरा जा रहा है। तंबाकू भरने के बाद की जाती है कलरिंग और आखिर में कंपनी के लेबल के साथ इसे सील पैक कर दिया जाता है। टेनिस बॉल। दोस्तों अपने बचपन में टेनिस बॉल से बहुत सारे मैच खेले होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर टेनिस बॉल को तैयार कैसे किया जाता है? चलिए आपको बता देते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इस मशीन को देखिए, इस मशीन की मदद से ही तैयार होता है ये टेनिस बॉल। सबसे पहले इस मशीन में रबड़ के टुकड़ों को डाल दिया जाता है और इससे एक रबड़ की पेस्ट तैयार की जाती है। उसके बाद इस पेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, जिसके बाद इन छोटे छोटे टुकड़ों को बॉल के फ्रेम में डाल दिया जाता है। इसके बाद मशीन की मदद से इन फ्रेम पे प्रेशर डालकर हाफ बॉल की शेप में तब्दील कर देते हैं। उसके बाद इनकी पॉलिशिंग की जाती है। दोस्तों ऐसे ही बॉल का दूसरा हिस्सा भी बनके तैयार हो जाता है और उसके बाद दोनों ही हिस्सों को गम की मदद से आपस में चिपका दिया जाता है। ये देखिए किस तरह मशीन की मदद से बॉल के दोनों हिस्सों को चिपकाया जा रहा है। आखिर में इन बॉल्स पे डिमांड के अनुसार ग्रीन और व्हाइट कलर की कोटिंग की जाती है और आखिर में कंपनी अपना लोगो लगाकर इन्हें एक बॉक्स में पैक कर मार्केट में बिकने के लिए भेज देती है। कंचा। दोस्तों बचपन में कंचा खेला है क्या आपने? इसको भारत के कुछ इलाकों में गोली भी कहा जाता है। बहुत लोगों के घर वाले उनको मना करते हैं कि ये मत खेलो, क्योंकि उनको लगता है कि उनका बच्चा कंचा खेल के बिगड़ जाएगा। खैर छोड़िए, आज हम आपको बताएंगे कि इसको बनाया कैसे जाता है, तो चलिए दिखाते हैं आपको। दोस्तों कंचा बनाने के लिए सबसे पहले कोई भी कंपनी कांच खरीदती है, उसके बाद फैक्ट्री के अंदर कांच का चूरा बना दिया जाता है, उसे एकदम महीन कर दिया जाता है। उसके बाद आग की मदद से चूरे को लिक्विड में बदल दिया जाता है। जब एक बार कांच लिक्विड में तब्दील हो जाए तो उसके बाद मशीन की मदद से इनकी छोटी छोटी बूंदे टपकाई जाती हैं।
या मशीन के रोलर पे गिरती जाती हैं और गोल आकार में तब्दील होती जाती हैं। जी बिल्कुल इस तरह से देखिए कैसे कांच की बूंदें मशीन पे गिर रही हैं और कैसे ये फटाफट गोल आकार लेती जा रही हैं। एक बार जब ये कांच की गोली तैयार हो जाती है तो उसके बाद इन्हें ठंडा करके आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। अगर इन कंचों पे कलर करना है तो ये भी मशीन की मदद से बहुत ही आसानी के साथ कर दिया जाता है। वैसे क्या आपने कभी बचपन में कंचा खेला है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्पोर्ट्स शूज। दोस्तों जूते तो सभी पहनते ही हैं, लेकिन स्पोर्ट्स शूज की बात ही कुछ और होती है। लेकिन आज हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि शूज पहनने के बाद हम जितना कंफर्टेबल फील करते हैं उतना ही मुश्किल काम होता है इन्हें तैयार करना। सबसे पहले कंपनी सिलाई मशीन की मदद से शूज के ऊपर का कवर तैयार करती है। साथ ही अगर कोई नया डिजाइन देना है जूते में तो वो भी सिलाई मशीन के द्वारा ही तैयार किया जाता है और हाथों हाथ जूते पे चिपका भी दिया जाता है। साथ ही दोस्तों जो जूते का बेस होता है कंपनी उसे पहले से ही मशीन की मदद से तैयार करके रख लेती है और उसे ऊपर वाले हिस्से के साथ चिपका दिया जाता है। ये देखिए कैसे मशीन की मदद से ऊपरी और निचले हिस्से को एक साथ चिपकाया जा रहा है। इसके बाद जूते बनकर तैयार हो चुके हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जो कि बिल्कुल फ्री होता है।